स्वागत है सभी का हमारा बिहार न्यूज पे एक बार फिर से। आज 20 मई 2020 बुधवार हो चुका है, तो आज जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों मुख्य समाचार देश दुनिया और बिहार से संबंधित बड़ी खबरें। जी हां, आज चीनी वायरस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। संक्रमित लोगों पॉजिटिव की संख्या का आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें बिहार में बीते मंगलवार को 53 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी खबर। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही रेल मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर। साथ ही साथ लावा कंपनी के बाद इस जर्मन कंपनी ने चीन को झटका देकर आगरा में लगाएगी फैक्ट्री। जी हां, वो कौन सा कंपनी है इसके बारे में भी बताएंगे पूरी खबर। साथ ही साथ सोना 7 साल के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। साथ ही इसके साथ बहुत बड़ी खबरों को जानेंगे एक एक करके, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, एक और अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए ले चलता हूं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी यानी चीनी महामारी से आज की ताजा अपडेट। भारत में अब तक 1 लाख से अधिक केस आ चुके हैं, जबकि 3000 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। अगर वहीं बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस वायरस को हरा दिया है, उनकी संख्या 39000 से ज्यादा हो चुकी है। अब बात करें बिहार की तो 1400 पार से अधिक लोगों इस वायरस से चपेट में आ चुके हैं। वायरस से मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। और बात करें उन लोगों की जो इस वायरस को हरा दिया यानी रिकवर हो चुके हैं, उनकी संख्या 500 से अधिक हो चुकी है। पहला अपडेट यह है कि चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। इस जर्मन कंपनी ने कारोबार समेट दिया है और आगरा में लगा रही है फैक्ट्री। जी हां, हाल ही में बता दूं कि दोस्तों लावा कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में आ रही है। अब लावा के बाद जर्मन फुटवेयर कंपनी वो भी भारत में शिफ्ट होने जा रही है। और बता दें आपको फुटवेयर कंपनी ब्रांड नाम वेन वेलिक्स है, जो जूते चप्पल बनाने में कारोबार करती है, ये भी अब चीन से भारत में शिफ्ट होने जा रही है। यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के कारण बहुत सारा कंपनी भारत आ रही है और मोदी सरकार भी विदेशी कंपनियों को बहुत छूट भी दे रही है, जो भारत के लिए बहुत ही राहत की खबर है। आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। 7 साल के बाद सोने की कीमत में 47,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची, और जबकि चांदी 48,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत 7 साल में सबसे महंगे स्तर पर पहुंच चुकी है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि आज कभी भी जारी हो सकता है बिहार बोर्ड की 10वीं का परिणाम। जी हां दोस्तों, आप रिजल्ट को ऑनलाइन BSEB.in पर चेक कर सकते हैं, या आप बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। जैसे यह रिजल्ट अनाउंस होता है, आपको हमारा बिहार न्यूज की ओर से एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। साथ ही चौथी सबसे बड़ी अपडेट, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए अब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में ट्रेनों की मंजूरी देने के मामले में पीछे हैं, इसलिए अब स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आप इस ट्वीट में भी देख सकते हैं कि पीयूष गोयल ने क्या कहा है।